ओके स्टूडेंट, तो इन लास्ट क्लास आई डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, है ना। एक करंट कैरिंग वायर था, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जनरल पॉइंट पे हमने देखा था, है ना। और हम लोग ने रूल्स भी देखा था। रूल्स क्या देखा था बच्चे, हमने रूल्स देखा था कि मान लो ये करंट कैरिंग वायर है तो डायरेक्शन के लिए, वैसे मैंने आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट बताया, आपको अगर आपने इसका फार्मूला लिखा बायो सावर्ट लॉ जब आप लिख रहे हो तो वहां पर देखोगे आपने लिखा होगा डीवी इक्वल टू न्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यहाँ पे ये था बच्चा, ठीक है ना। कौन ज्वाइन कर रहा है, तो ये फार्मूला था, है ना, ये फार्मूला था। तो देखो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कहाँ से मिल जाएगा, आफ्टर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एल एंड आर, इस दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको डायरेक्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि ये जो है सो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। तो हमने देखा था कल, क्या देखा था, अगर करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है तो आप अपना हैंड का जो है थंब को क्या करोगे, थंब को आप रखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, और उसके बाद जो है सो आप जिस डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल कर पा रहे हो ये, तो ऐसा डायरेक्शन होगा इस वायर के चार चार, इस तरह का डायरेक्शन बनेगा, ऐसा डायरेक्शन बनेगा बच्चे। जब मैं ऐसा डायरेक्शन बनाता हूँ इसका मतलब क्या कि वायर के इस साइड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा, सॉरी जो वायर मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चे वो इस तरह से होगा, है ना, अंदर की ओर जा रहा होगा और यहाँ पे कैसा है बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है, ये इनवर्ड का नोटेशन होता है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन का नोटेशन होता है, है ना। किसी भी पॉइंट पे हम लोग इसके थ्रू निकाल सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया था ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, एक जनरल वायर के चलते जो फार्मूला आया था बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी भी आया होगा, है ना, और यहाँ आया होगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। जरूरी नहीं है आप तुरंत डेरिवेशन करना आपको आता है, ठीक है ना। मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ। केसेस क्या बताता हूँ कि मान लो ये जो वायर हमने लिया था, ये जो मान लो हमने वायर लिया है, मैं बोल रहा हूँ कि अब जो है आपको P पॉइंट जो है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मैं इसको ले लेता हूँ, अगर मैं इसको केस वन लूँ, केस वन लेता हूँ, तो क्या होगा कि व्हेन P पॉइंट इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, आपका P पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो क्या होगा बच्चे, ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, सेम होगा, ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, इस केस में क्या होगा थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, इसको अगर मैंने थीटा लिख दिया, अगर मैं इसको थीटा लिख दिया तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से जो बी का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट टू, देखो साइन थीटा वन 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 टू हो जाएगा टू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, और सॉरी 1199 होता है ये साइन थीटा वन थीटा टू दोनों सेम हो जाएगा, तो इसको इसमें हम लोग साइन थीटा टू, यहाँ टू को मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये बी का फार्मूला हो जाएगा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्शन को आप क्या करोगे राइट हैंड थंब लगा के निकाल लोगे। तो एक केस में ये बोला कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो आप कैसे निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है। दूसरा अगर मैं बोलूं कि केस सेकंड लेता हूं कि हमारा वायर जो है सो इनफाइनाइट लेंथ का, केस टू की मैं बात करता हूं, केस टू क्या बोल रहा है बच्चे, केस टू है कि हमारा वायर जो है, मैं लिख देता हूं केस टू क्या है कि इफ इफ द वायर इज इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऐसा भी चाहिए इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है ना। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऐसा मान लो ये वायर है और ये नीचे भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और ऊपर भी, एक दूसरा केस भी हो सकता है, ठीक है, मैं आपको दूसरा केस भी दिखाऊंगा। और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जैसे कि हम लोग लेते आ रहे हैं डी, तो हमने यहाँ पे डी भी ले लिया, तो डी है, इस पी पॉइंट पर किसी ने पूछ लिया, तो अब देखो पहले जो थीटा था, अब जो ये थीटा होगा ये एक्चुअली ये किसको टेंड कर रहा होगा, थीटा टू भी टेंड कर रहा होगा 90 को, और यहाँ पे ये इस तरह से बनेगा, तो ये जो थीटा वन है इट्स आल्सो टेंडिंग टू 90 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फार्मूला था बी का जो फार्मूला था
म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई, यहां तक तो ठीक है, नीचे एक भी था, डी भी रख दिया, इधर भी डी डिस्टेंस पे लिया। अब साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 जो था फार्मूला बच्चे, है ना, फार्मूला क्या था, साइन थीटा 1 साइन थीटा दोनों 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, सॉरी 90 है साइन 90, ये देखो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये भी 90 और ये भी 90, साइन 91 पूरा का वैल्यू हो गया 1, इस पूरे का वैल्यू हो गया 1 1 1 2, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई डी। इसको कुछ बुक वाले इसको काट करके तुम यहाँ लिखते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, आपको सिर्फ याद रखना है जो बी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसमें डी होता है, याद होने से भी अच्छा है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट तो नहीं है। देखो अब एक केस क्या हो सकता है, अगर हम लोग केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड क्या हो सकता है बच्चे, कि वायर इस तरह का है, मान लो यहां से तो ठीक है, यहां एक एंड है, इस पॉइंट पर पी है एंड विच इज द डी डिस्टेंस फार, और ये इधर इनफाइनाइट है। तो इस केस में देखो, इस केस में जो थीटा वन है विच इज टेंडिंग टू 90 डिग्री, और जो थीटा टू है वह कितना हो गया, थीटा टू 0 हो गया। तो यहाँ पे बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी, और साइन 90 साइन 91 हो जाएगा साइन 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिखो नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है, तो इस पॉइंट पे जो है बी का फार्मूला ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। अब देखो दूसरा केस तो ये भी हो सकता है कि मान लो करंट कैरिंग वायर ऐसे लाई कर रहा है और इस पॉइंट पे आपसे पूछ लिया, पी पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे इस पी पॉइंट पे आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, आई एम टेकिंग अ केस फोर, केस फोर हमारा क्या है समझो, केस फोर क्या है कि करंट आई इस तरह से फ्लो हो रहा है, या तो यहाँ हो या यहाँ हो, कोई भी केस। तो उस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ बच्चे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप एक जैसे छोटा सा ऐसा स्ट्रिप लिया, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे डीएल का स्ट्रिप लिया, उस डीएल के चलते पहले मैग्नेटिक फील्ड आप क्या करोगे, बायो सावर्ट लॉ लगाओगे। अब बायो सावर्ट लॉ लगाओगे तो पता चलेगा कि ये जो एंगल है साइन का जो एंगल था, ये एंगल ही तो 0 डिग्री हो गया, थीटा ही 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 हो गया, 0 into something 0 ही होगा। तो यहाँ से पता चला आपका डी भी 0 हो गया, जब डी भी 0 होगा इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, बी भी 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां से लाइन या तो साइन आपको पता है साइन 0 और साइन पाई दोनों का वैल्यू कितना होता है, इसका मतलब कहने का क्या है, अगर ये दोनों का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब अगर इधर रहे पॉइंट और इधर रहे पॉइंट, इन दिस टू केसेस, इन द बोथ केसेस यू विल फाइंड द बी विल बी 0, यहां पर बी क्या होगा 0 होगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ना बोलो। ठीक है, अब देखो दूसरा एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है ना, आपको मैं दूसरा एप्लीकेशन लेता हूँ। तो दूसरा एप्लीकेशन हमने वायर का डिस्कस कर लिया, करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या लेते हैं सर्कुलर क्वाइल लेते हैं, अब क्या लेते हैं सर्कुलर क्वाइल। तो सेकेंड मान लो, सेकेंड हम लोग एप्लीकेशन क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है बच्चे, मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट में क्या हो। तो मान लो ये कॉइल, ये कॉइल है और दिस इज द एक्सिस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कॉइल, इस कॉइल का सेंटर यहां पे मान लिया मैंने, ओ अपन बात कर रहे हैं ये पॉइंट पी पे, इस पी पॉइंट पे अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड बोलूं निकालने के लिए, मैं ऐसा मान लिया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरह से आई करंट फ्लो, ठीक है, अब मैं दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करता हूं। तो पहले आप क्या करोगे, फिर से यहां पे छोटा मान लो आपने स्ट्रिप किया क्या डी एल, और इसका वेक्टर फॉर्म में आई डी एल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्ट्रिप का ये हो गया, इसके चलते तो बी हम लोग को यहाँ निकालने आता है, किस चीज से, बायो सावर्ट लॉ से आता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको बायो सावर्ट लॉ से निकालने आता है। तो अभी जो है आर ये हो गया, आर वेक्टर मैं अगर लेता हूँ तो आर ये हो गया, तो मैं यहाँ पे डीबी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ,
डीबी का फॉर्मूला हो जाएगा सर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये होता था ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो ऐसा ही यहां पे नीचे भी होगा, ठीक है ना, यहां पे नीचे भी होगा। अब जरा देखो इधर की ओर आई एल है, इधर की ओर जरा इसके इसके साइन पर देखना, यहाँ पे साइन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इधर की ओर है ऐसा, ये वेक्टर तो ऐसा है और यहाँ पे आर ऐसा है, तो आपको क्या है आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर, तो इधर की ओर डीबी हो जाएगा, डीबी का डायरेक्शन ऐसा हो होगा कि नहीं बताओ जरा, इधर की ओर डीबी होगा तो इसका दो कॉम्पोनेंट हो जाएगा बच्चे। अगर मैं ये एंगल फाई लेता हूँ, ये एंगल फाई लेता हूँ, तो इस डीबी के साथ ये एंगल क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, अगर ये फाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा डीबी साइन फाई, यहां तक कोई बुराई नहीं। मैं साइन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थीटा लेने वाले हैं और उसको 90 डिग्री लिखने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फाई ले लिया, यहाँ पे फाई लिया थीटा नहीं लिया, ठीक है। अब जरा देखना इसके चलते जो क्या होगा बच्चे, इसके चलते फिर यहाँ पे भी सेम ऐसा आएगा इधर की ओर डीबी है ना, इसके अपोजिट पॉइंट साइड में भी एक पॉइंट होगा, इसका भी जो कंपोनेंट होगा इधर क्या हो जाएगा डीबी कॉस फाई और इधर क्या हो जाएगा डीबी साइन फाई, ये डीबी कॉस फाई कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे आप लोग ने ऐसा आपको बहुत ज्यादा अननोन टाइप का नहीं लग रहा होगा, अजीब नहीं लग रहा होगा, आपको क्या लग रहा होगा कि हाँ ठीक ही है, इतना भी नहीं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, है ना। कुछ बच्चे बोले सर ऐसे भी तो है हमने नहीं पढ़ा, तो अपने काम करके आए, ये डी बी साइन फाई है, इसका मतलब क्या, अगर अपने को बी चाहिए तो अपने को इंटीग्रेट करना होगा डी बी साइन फाई को, ठीक है सर। डी बी का वैल्यू पता है, मैं लिख देता हूँ डी बी का वैल्यू, मैं अभी स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई को तो मैं बाहर फेंक दिया, आई डी एल आर को काट करके नीचे यहाँ साइन थीटा लिखना पड़ेगा, साइन थीटा इस दोनों के बीच का एंगल डी एल और आर के बीच का एंगल चेंज है, वैसे देखो ये 90 डिग्री बनाता है, तो यहाँ जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो आप नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट अभी लिखना है नियम से करना है ना, तो डिवाइडेड बाय आपका हो गया आर स्क्वायर और फिर आ गया साइन फाइव, ठीक है। इसका वैल्यू तो 90 है थीटा का, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है सर। अब देखो कुछ और चीजें बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं साइन फाइव का, साइन फाइव को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसका रेडियस अगर आपने ज़ूम कर लिया कि सर ये आर है, मतलब कहने का है कि ये जो रेडियस था बच्चे ये आर है, ठीक है ना, ये आर है और ये स्मॉल आर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा साइन फाइव हो जाएगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। अब स्मॉल आर को भी जरा सा ये इसको ये डिस्टेंस को इसको आर दिया, इसको अब एक्स लिखना पड़ेगा, जनरली मैं इसको ही एक्स लिखता, चलो कोई बात नहीं कुछ भी कर लो, तो ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, आसान आसान सी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है साइन फाइव का आपको इधर पुट करना है, तो अब इधर पुट करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो जरा देखो, तो आपका इसको लिख पाओगे आप म्यू नॉट, ठीक है सर 4 बाय ठीक है आई सर है बाहर ही आ जाएगा, ठीक है, और डी एल हम लोग डी एल को रहने देते हैं, डी एल एक कॉन्स्टेंट है, और साइन फाइव में भी अगर आपने आर रख दिया तो इस आर को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे जो है सो ये तो हो ही जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे आर एक ये है, इसका वैल्यू ही तो है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, इसको 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 मल्टीप्लाई करने तक नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा सर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया सर, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डी एल रह गया, और इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करना, तो 0 से 2 पाई कैपिटल आर, इसका मतलब ये क्या आएगा सिंपल 2 पाई आर आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास आ गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 पाई आर, देखो यहाँ से यहाँ कट गया ये 2 टाइम्स, ठीक है ये कट गया। अच्छा नहीं भी काटो ना, क्योंकि पता है आपको याद रखने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, तो आप इसको कट नहीं करो, अब तो कट कर दिया तो कोई बात, आप कट नहीं भी करते तो अगले पेज में मैं लिखता हूँ,
अगर हम लोग कट नहीं भी करते तो क्या लिखते सर, तो हमारा जो बी का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ऊपर में एक आई आर था और 2 पाई आर वाला लग गया तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका क्या था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू दावर 3/2 इतना था, ये हो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजिशन ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग के चलते यहाँ आ गया है ना, इसको ही मैंने उधर लिख रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में, बताओ जरा। ओके अब देखो मैं आप कुछ चीजें और भी इस पर डिस्कस करता हूँ इसके थोड़ा सा, अगर मान लो एन नंबर ऑफ टर्म्स है, जो कॉइल था हमारा, ये कॉइल मैंने अभी सिंगल टर्म्स का बनाया था, ऐसे इसमें एन नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने हैं एन टर्म्स, अगर इसमें एन टर्म्स है बच्चे तो उस केस में जो बी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्योंकि मैं इसको बाहर लिखूंगा मेरा आदत हो गया है इसीलिए मैं इसे लिखता हूँ 2 पाई I into R square, ठीक है नीचे था R square plus X square to the power 3/2 और आगे आप क्या लगा दोगे N, अगर N number of turns है इसके लिए, इस केस के लिए आपको अगर लिखना होगा B का फॉर्मूला तो आगे आप N से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फॉर्मूला होगा। कभी कभी इसका ग्राफ पूछ लेता है, ठीक है ना, कभी कभी क्या करता है इसका ग्राफ पूछ लेता है, तो इसका ग्राफ आप बना सकते हो। तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे कि ये मान लो इस तरह से सर्कुलर कॉइल है, जरा देखना इस तरह से सर्कुलर, अरे यार क्या है तो बढ़िया सर्कुलर कॉइल नहीं बन रहा बोर्ड में, इतना बढ़िया से मेरे से पहना नहीं। अब देखो ये एक सर्कुलर कॉइल है और यहाँ से एक्सेस इस तरह से बचे है ना, तो अगर मैं बात करूँ कि एक ग्राफ सर बना दीजिए, एक ग्राफ बनाइए बी वर्सेस एक्स का, आ सकता है एग्जाम में आया भी है ये ग्राफ, आया भी है ठीक है ना, तो आप देखो क्या है कि इधर की ओर आपका एक्स बढ़ रहा है, इधर की ओर नेगेटिव एक्स बढ़ रहा है, तो मैंने एक्स लिखा इधर माइनस एक्स लिखा, और आप किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड पर कमेंट करना चाहते हो तो पहले तो जीरो पुट करके देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू आप अगर जीरो रखोगे, अगर एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बी आ रहा होगा, क्योंकि देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर का, इसका मतलब दूर जाएगा कम होगा, यहाँ मैक्सिमम जो आ रहा होगा वो कितना आएगा, अगर x इक्वल टू जीरो रख दिए 3/2 पावर r3 आ गया, ऊपर r स्क्वायर है तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई से कट गया 2, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे मैं इस पॉइंट को यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2r, ये आ जाएगा और इसका जो बच्चे डायग्राम बनेगा वो इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, तो ये b वर्सेस x का आपको ग्राफ पूछ सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, तो आप ऐसा ग्राफ भी ड्रॉ कर पाओगे, किसी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। ओके अब देखो जरा मैं बात करता हूं डायरेक्शन की, इसमें भी डायरेक्शन का बात कर लेते हैं जरा, वैसे आपको मैं नहीं भी बताऊं तो आपको आता है, फिर भी इसमें ना एक और भी राइट हैंड रूल है इसी बता देता हूं, डायरेक्शन ऑफ बी बुक्स में पढ़ाते हैं इस तरह से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो जरूरत ही नहीं था, आप लगा सकते थे पुराना वाला रूल सी, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्शन ऑफ बी की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर मान लो इस तरह से लूप है और करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ऐसा, तो आप क्या करोगे, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, आप क्या करोगे देखो इस तरह से रोटेट कराओगे, इस तरह से रोटेट कराओगे खुबाच, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बी का इस पॉइंट पे बी का डायरेक्शन होगा वो इधर की ओर होगा, सर नहीं समझ में आया, देखो मैं इस तरह से फ्लैट बनाकर दिखाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बच्चे, करंट का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया है, आप देखो आप हाथ रखो इस तरह से, मतलब क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बी का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा ऊपर, अच्छा सर इसका मतलब जब क्लॉकवाइज होगा तो आपका अंदर की ओर होगा, जब हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पे अंदर की ओर होगा, इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे भी राइट हैंड यूज करते हैं, देखो मैं राइट हैंड को रोटेट करो, बट हेयर यू हैव टू कर्ल योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, आपको यहाँ पे जो है सो अपने फोर फिंगर को जो है सो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो में ऐसे ऐसे करके करना है, रोटेट करना है, तो आपका थंब जो होगा वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। आगे समझ में
और देखो मैंने ये जो लिखा था ना बच्चे, यही होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ बच्चे कि फील्ड, आपसे ऐसा पूछता है फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ एम लिख देता हूँ समझ में, एम फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल, तो हमने निकाल लिया था, उसको क्या करना है आपको x इक्वल टू जीरो पुट करना है, तो आपका जो b का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट टू पाई आई डिवाइडेड बाय फोर पाई इनटू आर, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू। ये क्लास टेंथ में भी आप पढ़ के आते हो, है ना। इस तरह से अगर करंट कैरिंग वायर है, इस तरह से करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है और इसका रेडियस आपको कैपिटल R दे रखा है, तो इस पॉइंट पे सेंटर पर अगर आपसे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछता है इसका फॉर्मूला ऐसे। डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड थंब्स रूल यूज करोगे, आप अपने फिंगर को इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे, ठीक है ना, तो आपको जो है सो यहाँ पर फील्ड निकाल के दे देगा, ठीक है ना, बोलो हाँ ना। अब देखो इतना तो बुक में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, बट क्वेश्चन में पूछना होता है ना, तो क्वेश्चन एक बार तो ऐसा आया हुआ है कि फील्ड एट अ पॉइंट फार अवे, अ वेरी फार अवे, वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बहुत दूर बात कर रहा है, मान लो ये आपका रिंग है तो इसे बहुत ही ज्यादा दूर कहीं पर पी पॉइंट है वहां पूछ रहा है, इसका रेडियस मान लो ये आर था और दिस वन इज द एक्स, ऐसा एक्स है बच्चे, तो आपसे पूछ रहा है कि बहुत दूर क्या होगा, तो इस केस में क्या है एक्स जो है बहुत ज्यादा बड़ा है आर से, तो आपका जो फॉर्मूला बी का था क्या था, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय फोर पाई टू पाई आर स्क्वायर और आई आर स्क्वायर टू पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, यही फार्मूला था। अब इस फॉर्मूला में आपको आर को निगलेक्ट करना है, सर क्या इस आर को भी जीरो पुट करें तो आंसर ही जीरो आ जाएगा, हम लोग इग्नोर किसको करते हैं, निगलेक्ट किसको करते हैं, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है ना, मल्टीप्लीकेशन वाले को कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, है ना, तो इसका फार्मूला आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय फोर पाई टू पाई आर स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला तो ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ाया गया है तो आपका दिमाग चलना चाहिए ऑन द स्पॉट, है ना, बच्चे लोग समझते हैं अरे यार मास्टर तो ये नहीं पढ़ाया और उसको लगता है ये आउट ऑफ द सिलेबस, ऐसा किसे है यार आउट ऑफ द सिलेबस क्या, आपको जनरल फार्मूला पढ़ा दिया गया है तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। वैसे मैं आपको ये तो चलो ठीक है पूरा सर्कल के लिए निकाले, हम लोग क्या करते हैं किसी आर्क के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखते हैं, ठीक है ना, किसी आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, आज हम लोग सिर्फ बायो सावर्ट ही पढ़ पाएंगे, ठीक है ना, तो मैं आप निकालता हूँ फील्ड ड्यू टू आर्क, है ना, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ आर्क, ठीक है ना, आर्क के सेंटर में बात कर, तो आप लोगों को पता है आर्क कैसा होता है, ऐसा इस आर्क का जो है सो रेडियस मान लिया हमने ये आर है और दिस वन इज द सेंटर और इस आर्क में करंट आई का फ्लो है, आपसे मैं बोल रहा हूँ इस सेंटर पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आपको पता है कि अगर करंट ऐसे फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अच्छा इधर ही और जा रहा होगा, वैसे अभी इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं है इसलिए आप वो दिमाग नहीं लगाओ, मैं आपको बताता हूँ आप देखो कैसे कैसे इजी कैसे निकालेंगे सर, बायो सावर्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पे फिर से बायो सावर्ट रूल लगाएंगे, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लो किस चीज का डी है और इस स्ट्रिप के चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डी बी होगा, तो आपको पता है कि यहाँ से डी बी का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता था सर, ये फार्मूला होता था, मैं स्केलर फॉर्म में क्योंकि काम यहाँ स्केलर फॉर्म में, देखो यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में आपका डी एल था और इस डायरेक्शन में आपका आर रेडियस है ना, तो इस दोनों के बीच का थीटा एंगल कितना है बच्चे 90 डिग्री, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये अपना छोड़ देने का काम है क्या सर, हाँ,
तो हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं म्यू नॉट ठीक है, 4 पाई ठीक है, आई कॉन्स्टेंट है, ऊपर से देखो आर स्क्वायर, यहाँ जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ के बीच वो कैपिटल आर है, तो आर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट है, तो अंदर क्या बच गया सर, अंदर सिर्फ बच गया डीएल, अंदर क्या बच गया सिंपल सा डीएल, और तो कुछ बचा नहीं। अब जरा देखो मैं इस डीएल की बात करूं, ये सेंटर पर मान लिया कि ये डी थीटा एंगल बनाता है, ये डीएल जो आर का छोटा आर लिया है वो सेंटर पे डी थीटा एंगल बनाता है, मैं डीएल और डी थीटा के बीच में एक रिलेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, बोले सर डीएल इक्वल टू आप इसको लिखो आर डी थीटा, इसका मतलब क्या यहां रिप्लेस करने वाले हो सर, यस, क्योंकि मैंने ऐसा अज्यूम किया है ये जो एंगल बना रहा है, ये आर जो सेंटर का एंगल बना रहा है उसको हम लोग कुछ फाई बोलते हैं, थीटा हम यहां यूज कर ले, तो हमने यहां पर फाई ले लिया, फाई ले लिया ठीक। तो अब क्या करेंगे सर, अब इसको लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, डी एल को आर डी थीटा लिख देते हैं, तो आर कॉन्स्टेंट को बाहर छोड़ते हैं, डी थीटा यहाँ आ गया कहाँ से कहाँ 0 to 5, आर ने इस स्क्वायर को खा लिया, क्या बचा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई, नीचे क्या हो गया आर आ गया और थीटा यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, ये फार्मूला क्या हो गया बी का फार्मूला हो गया, ये फार्मूला किस चीज का हो गया बच्चे बी, बी कहाँ पे निकाल लें हम लोग एट दिस पॉइंट पी सेंटर पे है ना, यहाँ निकाल लें, अच्छा है सर ठीक है कोई बात नहीं। अब सर क्या ये अगर पूरा सर्कल रहा तो मुझे प्रूफ करके बताइए जरा कि ये फार्मूला वैलिड, देखो जब फाई एंगल बना था तो आपने यहाँ पे फाई, अब अगर ये पूरा का पूरा एक है, एक राउंड कितना हो गया 2 पाई सर, यहाँ 2 पाई रखेंगे, तो इस केस में अगर मैं बी का फॉर्मूला बोलूँ तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 2 पाई, देखो 2 पाई से 2 टाइम कट गया तो क्या आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर आ गया, यही तो फॉर्मूला था सर। तो ये एक जनरल फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, अब क्या है कि जितना भी एंगल रहेगा, किसी ने पूछ लिया कि बताओ बेटा हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है, अब इस केस में बी का वैल्यू बताओ, आसान है सर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, तो ठीक ही है सर इसका रेडियस अगर आपने आर लिया है इसका रेडियस लिया था, बट यहाँ एंगल पाई का सर, यहाँ पाई रखेंगे, पाई ने पाई को खा गया, तो यहाँ सर बच गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, मजेदार ये फार्मूला, मतलब बहुत काम आने वाला है, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको क्वेश्चंस भी कराता हूँ एक दो, ठीक है ये बताओ सब चमका कि नहीं, समझ में आया कि नहीं सबको, हाँ ना बोलो यार क्या कर रहे हो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ जबरदस्ती का जी सर नहीं बोलना, समझ में आया तो बोलना है, नहीं समझ में आया तो नहीं बोलना है, नहीं आया सर फिर से बताइए, 4 वर्ड बताइए, पैसे दियो यार मैं फ्री में तो पढ़ाता नहीं है कि नहीं, स्कूल में पैसे पे किए हो ना भाई, कि यहाँ पे कोई फ्री में थोड़ी पढ़ रहा है, ना मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ ना तुम फ्री में पढ़ रहे हो, टाइम दे रहे हो, पैसा तो छोड़ो टाइम दे रहे हो यार, तुम अपने लाइफ का 1 घंटा दे रहे हो, समझ में आना चाहिए है कि नहीं, चलो ये चीजें हो गया। अब देखो इसका एक नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, मुझे लग रहा है कि टाइम कम है, मैं सोलेनाइट शायद पढ़ा नहीं पाऊंगा इतने देर में, पूरा का पूरा 15 मिनट्स में नहीं हो पाएगा तो पूरा सोलेनाइट, ठीक है हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस आज के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है तो मैं आपको जो है सोलेनाइट जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो कहने का मतलब है उसके बाद जो है सो हम लोग सोलेनाइट पढ़ने के बाद जो है सो मैं आपको फिर पढ़ेंगे आगे एम्पियर्स लॉ, सोलेनाइट पढ़ने के बाद थोड़ा सा ना मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा, अच्छा अच्छा यही पढ़ा, एक चीज़ ये हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलेनाइट पढ़ लेंगे, ठीक है तो हम लोग पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक लाइंस एंड देयर कैरेक्टर्स, उसका कैरेक्टर क्या देखते हैं, क्या पढ़ना है हम लोग मैग्नेटिक लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टी एंड देयर ठीक। अब क्या होता है जरा तुम लोग समझो कि मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है,
पहले बात आपने मैग्नेटिक फील्ड का एक डेफिनेशन पढ़ा था, मैंने क्या बताया था, द स्पेस सराउंडेड अ मैग्नेट, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई मूविंग चार्ज जो है मैग्नेटिक मतलब इफेक्ट्स को ऑब्जर्व होता है उसको, है ना, मूविंग चार्ज पर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना। एक मूविंग चार्ज है वो अपने चारों साइड एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसमें अगर आप कोई मैग्नेटिक मूविंग चार्ज या मैग्नेटिक मटेरियल्स को रखोगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑब्जर्व होगा, ठीक। अब मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, एक्चुअली ये आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाया है ना, उस तरह से मैग्नेटिक लाइंस भी यहाँ पर पढ़ेंगे। वो एक वर्चुअल लाइन था, दिस इज ऑल्सो अ वर्चुअल लाइन एंड वी आर यूजिंग इट फॉर द रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट का बनाना है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक बार मैग्नेट, हमने एक ले लिया यहाँ पे बार मैग्नेट, ऐसा लिया बार मैग्नेट, ये मान लो बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट का ये जो है सो आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको मिलेगा, एक जो मिडिल से क्रॉस कर रहा है वो तो इस तरह से होगा साउथ टू नॉर्थ, बाकी और सब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगा आपको वो इस तरह मिलेगा। और नॉर्थ से साउथ आपको इस तरह से सर्कल बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप बना सकते हैं ऐसा ऐसा, इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनता हुआ दिखता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ऑब्जर्व होगा कि जो नॉर्थ टू साउथ है, इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो आपका नॉर्थ टू इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसा होता है। ये किसका है, बार मैग्नेट। अगर हम लोग यू शेप मैग्नेट की बात करते हैं, जिसको आप लोग हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हो, यू शेप मैग्नेट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, मान लो हमने ऐसा यू शेप मैग्नेट ले लिया इस टाइप का, और इसमें भी हम लोग एज्यूम करते हैं दिस वन इज द नॉर्थ पोल, दिस वन इज द साउथ पोल, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा दूसरे का मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसा होगा, ऐसे होगा बच्चे, और फ्रॉम इनसाइड द आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये ऐसा होगा, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट ऐसा होगा, देखो मेरा स्क्रीन पर अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, तो आप जो है थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है। और भी अगर मान लो दो पोल है ऐसा, नॉर्थ पोल है एक और दूसरा एक मान लो साउथ पोल है ऐसा, आप इस तरह से अगर प्लेस कर देते हो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको इस तरह से दिखेगा कि नॉर्थ टू साउथ ऐसा होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख सकता है ऐसा। तो नॉर्थ से आपको निकलता हुआ दिखेगा और साउथ पे टर्मिनेट होते हुए दिखेगा ऐसा, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, हाँ ना, ये हुआ। दूसरा, अगर आपने दो पोल को इस तरह से रख दिया, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, सेम दो पोल को रख दिया, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ऐसा दिखेगा, यहां से भी जनरेट हो रहा होगा इस तरह से, समझ में, ऐसा इधर से भी जनरेट हो रहा होगा और यहां से भी जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होते रहता है, देखो सेम पोल है ना, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ प्रॉपर्टी, यहाँ ही कवर कर देता हूँ, तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, अट्रैक्शन। मैं आपको एक एक करके प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। पहला प्रॉपर्टीज तो ये है कि आउटसाइड द मैग्नेट जो है सो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कहाँ होता है, साउथ टू नॉर्थ, दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। और भी एक दो डायग्राम बना के मैं दिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है वो आपको बताता है कि उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। मैं इसको लिख देता हूँ, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ, मैं कहने क्या चाह रहा हूं कि द नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ। क्या कहना चाह रहे सर कि अगर मैं इस तरह से बात करूं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है, मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास ऐसा है, अब जैसे सेम एरिया सेलेक्ट करते हो, आपने इतना एरिया यहां लिया और यहां पर भी सेम, तो यहां देखो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है। अगर मैं इसको ए ले लूं और ये बी रीजन लिया, तो आप क्या बोल सकते हो कि ऑन ए रीजन जो है सो स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहां क्या है, अगर मैं यहां का स्ट्रेंथ एस ए लिया और यहां का स्ट्रेंथ अगर मैंने एस बी लिया, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ की बात करूं तो यहां पे आपको ज्यादा है और यहां पे आपको कम है। ये समझ में आ रहा है, तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया। एक और प्रॉपर्टी की आपको बात करता हूं, आप एक चीज देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। मैं लिख देता हूं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करता है, सेम रीजन मैं देने वाला हूं जैसा कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि अगर मान लो दो लाइंस इंटरसेक्ट किया, इस तरह से दो लाइन इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब क्या है बच्चे कि एक पॉइंट, ये पॉइंट जैसे पी है, यहां पे इधर डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का और ये डायरेक्शन इधर भी हो गया, तो एक ही पॉइंट पे दो, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, आप दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट निकाल सकते हो, लेकिन एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है ना, चाहे कितने भी नंबर ऑफ मैग्नेट्स क्यों ना हो। तो इसीलिए जो है सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। समझ में आया, हाँ ना बोलो, ओके। अब ये चीज है दूसरा, देखो हम लोग ने जो आपको बताया था कि जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे कि इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ऐसा ड्रॉ किया है ना, तो दिस इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं लिखा नहीं रहा, लेकिन आपको पता है कि आप जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, वो आपको कहता है उस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं, और मैग्नेट्स का एक और प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी, वैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा। यू विल नेवर फाइंड कि मैग्नेट्स मोनोपोल में एग्जिस्ट करता है, मैग्नेट्स ऑलवेज जो है सो डाइपोल में एग्जिस्ट करता है। क्या मतलब है कि अगर मान लो हमारे पास ये मैग्नेट है, मैं आपको मैग्नेट्स पढ़ाऊंगा, ये नॉर्थ पोल था या साउथ पोल, जब आप इसको यहाँ से ब्रेक करोगे तो आपके पास यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ साउथ बन जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से ब्रेक किया आपने, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ साउथ बन जाएगा। अब जब भी इस तरह से ब्रेक करते हो मैग्नेट्स को, तो ये जो है इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग और भी, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक लाइंस की बात कर रहे हैं है ना, तो एक दो और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी देखना है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसके चलते स्ट्रेट सब यूज आ जाएगा क्वेश्चन के बीच में, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उस केस में आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकालोगे, जैसे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, कैसे हो आपको अगर डिनोट करना हुआ तो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो ऐसे, तो यहाँ जो है सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरह से होगा, अगर आई करंट इधर फ्लो हो रहा था जैसे था टैक्स। अब सर्कुलर कॉइल है, मान लो नेक्स्ट लेते हैं दूसरा हमने लिया सर्कुलर कॉइल, अगर सर्कुलर कॉइल है ऐसा हमने लिया ऐसा है ना, और इसमें करंट हमने लिया इस तरह से फ्लो हो रहा है आई करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा देखो, तो ये सर्कुलर कॉइल इस तरह से हो रहा है तो नीचे की ओर, तो मतलब ऊपर से नीचे की एक लाइन तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे ऐसा, ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो ऐसा होगा,
ऐसे। इसका मतलब क्या सर, इधर की ओर यहाँ इंटर कर रहा होगा सर इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, और इधर से सब एग्जिट कर रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लाइंस को शो किया इसके लिए। अच्छा, सोलेनाइड में कल पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं वहां पे पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, सारा चीज सोलेनाइड कल के लेक्चर में, मतलब कल नहीं है हमारा क्लास, जो सैटरडे का क्लासेस होगा उसमें मैं आपको डिस्कस करके, और टाइम रहेगा ही हम लोग उसमें एम्पियर्स लॉ भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। एम्पियर्स जो सेकेंड वे ऑफ फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है, सेकेंड मेथड है फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो स्टार्ट करेंगे।